दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा ग्रुप ने अपनी कंपनी सिर्फ 21,000 से शुरू की थी, जिसकी कीमत आज के समय में 5,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। टाटा कंपनी की शुरुआत जमशेद जी टाटा ने की थी, जिन्होंने 21,000 लगाकर अपने धंधे को शुरू किया था। जमशेद जी टाटा रतन नवल टाटा के परदादा थे, जिन्होंने अपने व्यवसाय की शुरुआत की थी। अच्छी किस्मत और मेहनत के चलते उनका व्यवसाय चल पड़ा और उन्हें अच्छा मुनाफा होने लगा। उसके बाद उन्होंने नागपुर में एक फैक्ट्री भी खोली और उनकी ये फैक्ट्री इतनी ज्यादा चली कि उसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। इसके बाद जमशेद जी ने 3 बड़े प्रोजेक्ट्स में अपना हाथ आजमाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो इन प्रोजेक्ट्स को सफल होते देख पाते, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इस व्यवसाय की बागडोर उनके बेटे धुराबजी टाटा ने संभाल ली और उन्होंने अपने पिताजी के नक्शे कदमों पर चलते हुए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और आयरन एंड स्टील कंपनी को खड़ा किया और अपने स्वर्गवासी पिताजी जमशेद जी टाटा का सपना पूरा कर दिया। इस समय तक टाटा ग्रुप के पास कुल 14 कंपनियां खड़ी हो चुके थे। उसके बाद साल 1932 में दोराबजी की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद टाटा कंपनी की भागदौड़ जहांगीर रतन जी टाटा दादा भाई के हाथ में आ गई और अपनी पुश्तैनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भी टाटा ग्रुप को खूब ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने कंपनियों की संख्या 14 से 95 तक पहुंचा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन की भी शुरुआत की, जिसे बाद में भारत सरकार ने अपने हाथ में लेकर उसका नाम एयर इंडिया रख दिया, जो आज के समय में वापस टाटा ग्रुप के पास आ चुके हैं। इसके बाद टाटा ग्रुप के पूरे व्यवसाय की जिम्मेदारी रतन टाटा के कंधों पर आ गई। रतन टाटा, जिनका नाम आज पूरी दुनिया जानती है, उन्होंने टाटा ग्रुप को पूरी दुनिया में फैला दिया है। रतन टाटा की वजह से आज टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आसमान छू रही है और JRD टाटा ने टाटा ग्रुप कंपनी के आंकड़े को 95 पे छोड़ा था, तो रतन टाटा ने इस आंकड़े को 135 पर पहुंचा दिया है। जी हां दोस्तों, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास आज के समय में कुल 135 कंपनी है। जाहिर सी बात है, जिस कंपनी का इतिहास इतना ज्यादा पुराना और अच्छा होगा, उसका भविष्य तो बढ़िया होगा ही। और रतन टाटा ने अपने शांत स्वभाव से न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में टाटा ग्रुप का नाम रोशन किया है। आज के समय में करोड़ों लोगों की जिंदगी आसान बनाने का काम और लाखों लोगों को रोजगार देने का काम टाटा कंपनी कर रही है। पर दोस्तों, जब कभी टाटा ग्रुप की बात आती है तो एक और कंपनी की भी बात उठने लगती है। जी हाँ, आपने सही समझा, हम भारत और एशिया के सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी के। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी की शुरुआत धीरूभाई अंबानी ने की थी और धीरूभाई अंबानी पहले नौकरी किया करते थे। नौकरी से मिलने वाले पैसे जोड़ जोड़ कर उन्होंने धीरे धीरे रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की, जहां पर धागों और मसालों का व्यापार किया जाता था। धीरूभाई अंबानी ने कपड़े का व्यापार भी शुरू किया था, जिसका नाम विमल रखा गया था। लेकिन विमल का कपड़ा भारत के लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया और इस बिजनेस से उन्हें ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ, इसलिए धीरूभाई अंबानी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए विमल के मार्केट स्टॉक को बेचना शुरू कर दिया। हैरानी की बात तो ये थी कि जिस वक्त शेयर मार्केट का नाम भी लोगों को पता नहीं था, उस समय भी धीरूभाई अंबानी ने अपने टैलेंट के दम पे लोगों को विमल के स्टॉक खरीदने के लिए मना लिया था और उन्होंने अपनी इस कंपनी के शेयर बेचकर काफी पैसे कमा लिए, जिसे उन्होंने रिलायंस कंपनी में लगा दिया। दोस्तों, इसी तरह समय निकलता रहा और देखते ही देखते धीरूभाई की मेहनत से रिलायंस कंपनी 70 करोड़ के हो गए। साल 2002 में धीरूभाई अंबानी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन तब तक वो अपनी कंपनी को 75,000 करोड़ की भारत की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में बना चुके थे। धीरूभाई अंबानी के जाने के बाद पीछे रह गए उनके दो बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों के बीच उनके बिजनेस को आधा आधा बांट दिया गया, लेकिन दोनों भाइयों का दिमाग एक दूसरे से काफी अलग था और दोनों ही अपने तरीके से बिजनेस को चलाना चाहते थे। इसलिए जहां पर अनिल अंबानी कोर्ट में ये साबित करने में लगे हैं कि वो पूरी तरह से दिवालिया हो चुके हैं, वहीं पर मुकेश अंबानी ने अपनी मेहनत और दिमाग के बल पर अपनी कंपनी को $7,930 मिलियन का बना लिया है। और दोस्तों, कुछ इस तरह से मुकेश अंबानी न सिर्फ भारत के बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। दोस्तों, ये थी रतन टाटा और मुकेश अंबानी के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो कौन ज्यादा अमीर होगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा ग्रुप के पास जहां आज के समय में 135 कंपनी मौजूद हैं, वहीं पर मुकेश अंबानी के पास रिलायंस ग्रुप के नाम पर सिर्फ 6 कंपनीज ही मौजूद हैं। उसके बाद भी मुकेश अंबानी का नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में कैसे आता है, ये सोचने वाली बात है। चलिए आपको बता दें ऐसा कैसे है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के जितने भी शेयर हैं, उसमें से 48% के मालिक मुकेश अंबानी खुद हैं, यानी कि उनकी कंपनी का जितना भी पैसा है उसके आधे के मालिक मुकेश अंबानी खुद हैं, और यही कारण है कि वो एशिया के सबसे अमीर लोगों में आते हैं।
वहीं अगर रतन टाटा की बात की जाए तो रतन टाटा ने अपने आप को टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के 1% से भी कम का मालिक बना रखा है। यानी कि रतन टाटा अपनी ही कंपनी टाटा ग्रुप के 1% से भी कम के मालिक हैं, क्योंकि उनकी कंपनी को 66% शेयर उन्हीं के कंपनी के बनाए गए अलग अलग ट्रस्ट को दिया गया है। इन ट्रस्ट में सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा स्कॉलरशिप, टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट जैसे बहुत सारे ट्रस्ट शामिल हैं, जिन्हें आधे से ज्यादा प्रतिशत शेयर दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि टाटा ग्रुप की जितनी भी कमाई होती है उसका 66% भारत के लोगों के लिए दान कर दिया जाता है। टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा अपनी 135 कंपनी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों पर खर्च कर देते हैं जो कि भारत में रहते हैं और जो कि भारत का भविष्य है। यानी कि कुल मिलाकर रतन टाटा के द्वारा किसी भी तरह का दिखावा नहीं किया जाता है, बल्कि चुपचाप से भारतीय लोगों के लिए दान कर दिया जाता है। उनकी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा भारत के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य, पढ़ाई और भविष्य के लिए खर्च कर दिया जाता है। हम शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जिस रतन टाटा का नमक हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं उसका 66% तो वापस हमें ही मिल जाता है, क्योंकि ये हमारे ही अच्छे भविष्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर रतन टाटा ने जितना अपने ट्रस्ट को दिया है सिर्फ उतना प्रतिशत शेयर अपने पास रख लिया होता तब वो दुनिया के अमीर लोगों के लिस्ट में जहां होते वहां कोई सोच भी नहीं सकता था, और शायद मुकेश अंबानी इस लिस्ट में इनके आसपास भी नजर नहीं आ पाते। वैसे आपको इन दोनों में से कौन ज्यादा अमीर लगता है हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इस तरह के वीडियोस रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।